आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, प्रस्तुत है आज की खास खबरें। ऑनर किलिंग में नवविवाहिता को गोली मारने चार अभियुक्त गिरफ्तार। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां एक युवती को प्रेम विवाह करना भारी पड़ा। उसने अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। आपको बता दें, मैनपुरी थाना क्षेत्र के पुरोहिताना मोहल्ला निवासी करण और फरुखाबाद जनपद के कायमगंज निवासी कोमल एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोमल की माँ इस रिश्ते से सहमत थी। इसी के चलते दोनों की 8 माह पूर्व कोर्ट मैरिज भी हो चुकी थी और इसी से 20 अप्रैल को बाकायदा कायमगंज में बारात भी गई थी और दोबारा शादी होकर आई थी। पर लड़की के भाई करण और उसके चाचा इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। इसी बात पर नाराज होकर 26 अप्रैल को लड़की के भाई तथा चाचा ने कोमल और उसके पति करण को गोली मारकर कोमल की मौके पर मौत हो गई और पति करण की गंभीर अवस्था को देखते हुए अभी भी इलाज चल रहा है। और यहां तक कोमल की सास को भी तमंचे की बट से काफी मारा पीटा। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने तत्काल पुलिस टीमें लगा दी। आज सुबह सिंधिया तिराहे से करण, धर्मवीर गौरव और सनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे और 3 कारतूसों को बरामद किया है। अभियुक्तों को पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम भी देने की घोषणा की है। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। एक परसों कोतवाली क्षेत्र में बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक नवविवाहिता लव मैरिज था, लेकिन कोमल नाम की महिला निशंस हत्या उसके परिवारीजनों ने अनर किलिंग कर दिया था। तो उसी क्रम में हमारी पूरी सर्विलांस की टीम कोतवाली की पुलिस सारी मशीनरी लगी हुई थी। इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम देते समय काफ़ी निशंस तरीके से उसकी हत्या की गई। उसके हस्बैंड को भी गोली मारी गई, वो अभी जीवन संघर्ष कर रहा है। माँ को भी इन्होंने गोली मारा, बट तमंचे के पट से मारा। आज ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 2, जैसा आपने देखा, 2 तमंचे जो कि घटना में यूज हुए थे, अभी बरामद हुए हैं इनकी निशानदेही पर। और पूरी घटना का विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने फिर अनावरण करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 सर। हत्या करने वाले में क्या रिश्ता क्या था दोनों, जो हत्या रोकने का? उसके सगे भाई, मामा, चाचा, मामा, इन्हीं लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। भागने में मदद की थी चाचा और मामा लोग। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।